Hello friends, welcome in my YouTube channel of Biology Concepts. As you all know, we are discussing our video series for class 10th level. So today my topic of discussion is active transport. This topic is very important for your board exams. Earlier we have discussed about passive transport processes like diffusion. तो हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक्टिव का मतलब यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दूसरा बात, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा, तभी तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल्स का ही मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ओके, दैट रिक्वायर्स एनर्जी। और एनर्जी की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी ही होगी इन द फॉर्म ऑफ, आप सबको पता है एटीपी एज अ एनर्जी कैरियर काम करता है, एनर्जी करेंसी काम करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा पॉइंट दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि ये ऑलवेज हम ऐसा कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगेंस्ट का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो भी मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट का मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे टुवर्ड द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन यहाँ पे काम उल्टा हो रहा है, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये पॉइंट लिखा हुआ और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। आप इसको समझने के लिए इस पॉइंट से रिलेट कर सकते, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट को रिलेट करने के लिए आप टू से रिलेट कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है, इसका मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ पॉइंट आप ऐसे लिख सकते हैं, सम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर जो कि एक्ट एज अ कैरियर मॉलिक्यूल एक्ट करेंगे, जो कि कैरियर का काम करेंगे, एक्ट एज कैरियर मॉलिक्यूल्स। और वो क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, सब्सटेंस को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक इसको पिक्चर के थ्रू समझते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। आप देखेंगे ये मैंने एक साइड लिया हुआ है, सपोज हम लोग मान लेते हैं ये आउटसाइड द सेल है, ओके, ये दिस इज द आउटसाइड द सेल। और मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ यहाँ पर, यहाँ की बात अगर हम लोग करें दिस इज इनसाइड द सेल, दिस इज इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर की बात। उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों उसको ऐसे समझें कि ये मेम्ब्रेन है, सपोज ये जो हमारा बीच का जो पार्ट है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ओके, ये सेल मेम्ब्रेन है अगर, तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, सपोज दिस इज लो कंसंट्रेशन, और इधर मैंने मान लिया दिस इज हाई कंसंट्रेशन, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होने वाला है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो हमारे पास आउटसाइड द सेल लो कंसंट्रेशन है, वहां पे मैंने कुछ पर्पल कलर के ये मॉलिक्यूल्स बना दिए, ओके, ये मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन में है। और जो इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल्स थे वो मैं सपोज रेड कलर से बना देती हूँ यहाँ पर, कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से इनसाइड द सेल पहले से थे। अब क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैरियर मॉलिक्यूल की जरूरत है, कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कैरियर मॉलिक्यूल। जब कैरियर मॉलिक्यूल की आपको रिक्वायरमेंट होगी तो उस कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सब्सटेंसेस को लेकर जा पाए। अब आप देखिए, सपोज इस मॉलिक्यूल को आपको लेकर जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा और सरफेस पर लाती हूँ, इस बाउंड्री पर लेकर आती हूँ। सपोज ये आपका ये सेल है, जो आउटसाइड द सेल की कंडीशन है वो ये मॉलिक्यूल है,
और सपोज आपको इसको लेकर जाना है कैरियर मॉलिक्यूल के थ्रू, तो हमारे पास इस तरीके का एक कैरियर मॉलिक्यूल है, सपोज मैं उसको लेकर जाने वाली हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके के कैरियर मॉलिक्यूल पे वो जो मॉलिक्यूल है वो आके अटैच होने वाला है। ये जो मॉलिक्यूल मुझे लो कॉन्सेंट्रेशन से मैंने लिया था, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल आ गया। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो स्फेरिकल सर्कल्स, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें मॉलिक्यूल्स को, जो सब्सटेंसेस, उनको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ले जाना है। और आप ये कैरियर मॉलिक्यूल देख रहे हैं जो मैंने ब्राउन कलर से बनाया हुआ है, तो ये कैरियर मॉलिक्यूल को लेकर जा रहा है। आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो कैरियर मॉलिक्यूल है ये सब्सटेंस को यहाँ पे ले जाके इस तरीके से कैरियर मॉलिक्यूल खुद तो बाहर रह जाएगा, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल है वो उसको अंदर पहुंचा देगा, क्योंकि उसका टारगेट क्या था, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब आप देख रहे हैं ये मॉलिक्यूल यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से बहुत सारे कैरियर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस को वन बाय वन लेकर आते रहेंगे। तो आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर आने लगेंगे, और बाकी जो कैरियर मॉलिक्यूल का काम है, जो कैरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो कि कैरियर मॉलिक्यूल का काम कर रही हैं, वो क्या करेंगी, वो वापस एज इट इज, यही उनका काम है कि वो सब्सटेंस को लेकर आएंगी और लेकर जाएंगी। तो ये साइकिल इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं कि ये इसको लेकर गई, फिर इसने इसको यहाँ पहुंचाया और यहाँ पे ये एम्प्टी हो गई, और ये फिर वापस से यहाँ आएगी, दूसरे मॉलिक्यूल को लेकर जाएगी और फिर यहाँ पे पहुंचाएगी। तो इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का रोल है किसी कैरियर मॉलिक्यूल का किसी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। तो आपको मैं फिर से बता दूं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में बहुत ही लिटिल बिट डिफरेंस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी एनर्जी, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग डिफ्यूजन बोल सकते हैं। और एक बात आपको मैं दोस्तों और बता दूं कि यहाँ पर जो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे मैंने आपको ये तो पॉइंट क्लियर कर दिया कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन हो रहा है। दूसरा पॉइंट है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एटीपी के फॉर्म में, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और एक नोट लगा के आप यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस है, इट इज अ रैपिड प्रोसेस, ओके। और यहाँ पे सेलेक्टिव अपटेक होगा मटेरियल्स, इट इज अ रैपिड प्रोसेस एंड ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ, सेलेक्शन लगेगा यहाँ पे, सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मिनरल्स। तो ये कुछ कहानी थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अगर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट से इसको कंपेयर करें तो पहला पॉइंट कंपैरिजन का यही था कि यहाँ पे हाई से लो जाएगा, दूसरा पॉइंट ये था कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें। और एक पॉइंट और है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ 6 पॉइंट तो अच्छा रहेगा, कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। जबकि अगर हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो दोनों ही डायरेक्शन में जाएगा, इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन ओनली, अगर किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और बाकी हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगर देखें तो वो स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर लें कि एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही रैपिड प्रोसेस है अगर हम लोग इसको पैसिव से कंपेयर करेंगे। और ये सभी तरीके के मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर देता है मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन यहाँ पे सेलेक्टिव अपटेक होगा। सेलेक्टिव का माने कुछ ही मॉलिक्यूल्स को जाने लगे देगा, इट मीन्स यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लगेगी, किसी को ये अलाउ करेगा किसी को अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है बहुत ही ईजी टॉपिक है आप लोगों के लिए, ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और मुझे लग रहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, बट मैंने यहाँ पे एक ही मिनट में आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट से कैसे डिफरेंट है। अगला हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। हालांकि हम लोगों ने थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन मैं इसको डिटेल में एक कंपैरेटिव चार्ट के थ्रू बताऊंगी आपको, प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस वाला टॉपिक। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, जितना ज़्यादा हो सके आप हमको सपोर्ट करें, एंड इसी तरह हमारे वीडियोस को सुनते रहें और अपने रिवीजन को अपडेट रखें। ओके फ्रेंड्स, आई होप वी विल मीट सून, जल्दी ही मिलेंगे किसी उम्मीद के साथ। धन्यवाद।